टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में रॉबरी करने से पहले ही फिल्मी अंदाज में एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर पुलिस की धरपकड़ की लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। घटना कांदिवली पश्चिम फाटक रोड स्थित मोनिका ज्वेलर्स की है। 18 तारीख की रात 2:20 पर पुलिस को खबर मिली कि मोनिका ज्वेलर्स की छत तोड़कर लोग ज्वेलर्स की दुकान में लूट करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर मिलते ही कांदिवली पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और छत तोड़कर लूट करने की कोशिश करते हुए चोरों को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम सोनू जायसवाल है, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। इसके खिलाफ मुंबई में ही पहले अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कई सारे मामले दर्ज हैं और इसके साथ ही वांटेड आरोपी का नाम रवि यादव है, जिसकी तलाश कांदिवली पुलिस की टीम कर रही है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से गैस कटर, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े जैसे कई सामान बरामद किए हैं। फिलहाल कांदिवली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। 18 तारीख के सुबह 2:20 के करीब पुलिस स्टेशन को मैसेज आया, एक कॉल आया कि ऐसा ऐसा मोनिका ज्वेलर्स फाटक रोड स्टेशन के पास चोरी हो रही है। तो तुरंत पुलिस भागी, वही टाइम मालिक भी उधर पहुंच गया और छानबीन में ये पता चला कि दुकान के पत्रे के ऊपर से दो चोर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। पत्रा तोड़ के होल बनाया था और नीचे लोकन का जाली था, वो लोकन का जाली गैस कटर से वो कट कर रहे थे। ये पता चलने के बाद पुलिस ने सब तरफ घेर लिया। तो पुलिस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो चोर ने नीचे छलांग मारी, तो नीचे जो लोग थे उन्होंने उसको पीछा करके पकड़ा, उसके पैर को भी लगा। एक बड़ा हादसा चोरी होने वाला था गैस कटर से ज्वेलरी का। वो जो दुकान में आजू बाजू में सोने वाला जो उनका वर्कर था, उनके वर्कर के वजह से वो बच गया। हमारा मतलब तो पत्रे का सब कटिंग हुआ, ये सब है, बाकी हमारा हम बच गए भगवान की दया से। कुछ हमने अच्छा कर्म किया रहेगा तो हम बच गए।